નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, અતિથિ કાર્યક્રમ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વને આમંત્રણ આપીએ છીએ અને તેમની સાથે વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. દર્શક મિત્રો, જ્યારે પણ એક વિચારક, એક પ્રબુદ્ધ વિચારકની જ્યારે પણ હિન્દુસ્તાનમાં જો ચર્ચા થતી હોય, જો કદાચ ટોપ લિસ્ટ બનાવવામાં આવે, તો સ્વાભાવિકપણે ટોપ 10માં જે નામ આવે એવી જ વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ આજે અમારી સાથે અતિથિ કાર્યક્રમમાં હાજર છે. દર્શક મિત્રો, આ વ્યક્તિત્વ એક એવું વ્યક્તિત્વ છે કે લાખો કરોડો લોકો તેમના ફોલોઅર હતા અને કદાચ કરોડો લોકો તેમના ફોલોઅર હતા, પરંતુ તેઓ બહુ જ ઓછાના ફોલોઅર બન્યા છે. કારણ કે તેઓ પોતે નીતિ બનાવનારા હતા અને નીતિ વિષયક મામલામાં પોતે નિર્ણય લઈને એવા નિર્ણયના આધારે પોતે જે સંસ્થા સાથે જોડાયેલા હતા એ સંસ્થાને ઘણી લાંબી મજલ કાપવા માટેના ઇશારાઓ પણ તેમણે કર્યા હતા. પરંતુ છેલ્લા કેટલાય સમયથી અજ્ઞાતવાસમાં રહેલા ગોવિંદાચાર્યજી આજે ફરી એકવાર પ્રગટ થયા છે અતિથિ કાર્યક્રમમાં. ગોવિંદાચાર્યજી, આપકા સ્વાગત હૈ કાર્યક્રમમાં. સબસે પહેલે તો પૂછના ચાહુંગા કે એબ્સ્કોન્ડિંગ ગોવિંદાચાર્યજી, યે એક લેબલ લગા હુઆ થા, હેડલાઇન ભી બની હુઈ થી, ક્યા હુઆ થા ઓર કહાં થે આપ? નહીં, મેં તો વૈશ્વિકરણ કે મુકાબલે મેં જો ઉસકા પ્રભાવ પડ રહા હૈ સમાજ પર, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर और संस्कृति पर, उसका अध्ययन करने और उसका विकल्प ढूंढने के लिए 2 साल अध्ययन अवकाश में गया था. लेकिन आप ऐसा डायमंड है, आप ऐसा हीरा है कि मतलब वो होता है ना कि कहीं पे भी हीरा पड़ा होता हो, अपना ओजस तो हर तरफ फैलता रहता है, लेकिन ये 2 साल कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ ग्रहण आ गया था. नहीं, मेरा पक्का था, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसा वैश्वीकरण की मार पड़ेगी तो सभी दल एक से होने लगेंगे और गरीब होंगे, अमीर और अमीर होंगे, गैर बराबरी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी. तो इससे मैं चिंतित था, तो इसके लिए मुझे लगा कि आखिर वैश्वीकरण के पक्षधर भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं. तो जमीनी स्थिति अलग थी और पढ़े लिखों का कहना कुछ और था. इसलिए मुझे लगा कि मुझे 2 साल इस बात को जानने समझने में समय लगाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, घूमना चाहिए, समझना चाहिए. या क्या ये मतलब नॉर्मली कहा जाता है कि जब भी शेर जब भी शिकार करने जाता है तो 2 कदम पहले पीछे जाता है और बाद में जाके एक बड़ी छलांग लगाता है. क्या कह सकते हैं कि ये हमारे वैचारिक जो धन है, ऐसे धन प्राप्ति जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे गोविंदाचार्य जी आने वाले दिनों में जो भी अटैक करना था इसके लिए 2 स्टेप पीछे जाके पूरा अध्ययन करके बाद में कहीं बड़ी छलांग थी क्या? हाँ, मुझे लगा कि दलों की राजनीति से ऊपर उठकर बहुत काम अब करना पड़ेगा. उसके लिए पहले अध्ययन भी कर लें, समाधान भी ढूंढ लें, फिर कुछ प्रयोग करें. इसी नाते से 2003-4-5 में नींव खोदने में रहा, 6-7-8 में नींव भरने में रहा. तो आपको मालूम ही है कि मकान के नींव खोदने में जो लगा रहेगा बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा, कितना भी वो मेहनत कर रहा हो. तो मैंने भी विगत 6 साल लगभग अध्ययन के बाद बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक इन गतिविधियों के लिए मैं नींव खोदता रहा, ढांचा तैयार करता रहा. अब एक स्थिति आई है जब कुछ कुछ गतिविधियां हो पाएंगी. तब मुझे लगा कि इतनी सारी घेरेबंदी के बाद अब राजनीति को मूल्यों और मुद्दों की पटरी पर वापस लाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, कर सकते हैं. आपको लगता है कि ये नींव बिल्कुल जो आपने डिजाइन किया है आने वाले दिनों में, जो आप निर्माण चाहते हैं, क्या उस हिसाब से नींव अभी पूरे पूरी मतलब खुद गई है? मैं ऐसा कह सकता हूं कि देश में लगभग 1300-1400 कार्यकर्ता हैं जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं. देश के 150 जिलों में कुछ ना कुछ काम है, ऐसा मैं कह सकता हूं. और इस आधार पर अब हम आगे थोड़ा सोचें तो ठीक रहेगा. और इसमें भी जैसे आपको पहले से मालूम है, चूँकि हमें कुछ नहीं चाहिए था इसलिए हम ऐसा अफोर्ड कर सकते थे जाना, और उसका भी लाभ ही मिलेगा समाज को, ऐसा मेरा विश्वास है. राष्ट्रवादी मोर्चा, जिस हिसाब से जो नया कंसेप्ट आपने रखा है, इस कंसेप्ट को, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान की पूरी जनता जानती है कि गोविंदाचार्य जी जब भी कुछ बोलेंगे, जब भी कोई कार्य हाथ में लेंगे तो जरूर सोच समझ के वो कार्य हाथ में लिया होगा, और तब भी जाके बिल्कुल सूझबूझ के साथ ही उसको जब जनता के समक्ष रखेंगे. राष्ट्रवादी मोर्चा का आप जब ऐलान कर रहे हो,
क्या क्या नींव क्या रहेगी उसकी? मेरा ये सोचना है कि सभी राजनीतिक दल जो प्रमुख हैं, यूपीए, एनडीए, वाम, तीनों ही ये विदेश परस्त हैं, अल्पसंख्यक परस्त हैं और अमीर परस्त हो गए हैं। और देश का राजनीतिक आकाश जो भारत परस्त और गरीब परस्त लोगों से भरना चाहिए वो खाली है। इसलिए अब मूलभूत कई ढांचे के बारे में, कई विचारों के बारे में सवाल खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगा। राष्ट्रवादी मोर्चा उसी का एक उपकरण है, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन उसका एक और उपकरण है। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन व्यापक चुनाव सुधार और बाकी के काम में ज्यादा रहेगा। राष्ट्रवादी मोर्चा सत्ता और दल की राजनीति की स्पर्धा में बिना अपनी जमीन छोड़े लगेगा। अगर कंपैरिजन किया जाए, मुझे मालूम है कि अपना बच्चा कोई उसे बुरा नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो भी यूपीए, एनडीए और राष्ट्रवादी मोर्चा ठीक है, तो कैसे कंपेयर करेंगे आप अपने बच्चे? जो जैसे मैं हंस रहा हूं ना, वैसे ही लोग हंसेंगे। और मैं मानता हूं, देखिए गंगा भी गंगोत्री के समय कितनी छोटी तो रहती है, बाद में ना बड़ी होती है मैदान में आने पर। मैं ऐसा मानता हूं, जब भारतीय जनसंघ बना था 1951 में, कांग्रेस, कम्युनिस्ट बड़े बड़े दल थे, उसके बाद कहीं समाजवादी पार्टी, अरे भैया राम राज्य परिषद हिंदू महासभा भाई जनसंघ से बड़ा था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में होते होते 1998 में चित्र दूसरा ही आ गया। और अभी की स्थिति में तो इतना समय भी नहीं लगेगा। मैं मानता हूं कि आज वास्तव में हंसने लायक बात होगी, मेरे लिए भी हंसने लायक बात है मनोरंजन के नाते से, लेकिन लक्ष्य ठीक है, दिशा ठीक है, अधिष्ठान ठीक है, नींव मजबूत है। तो जब जमीन ठीक है और बीज ठीक है और पानी भी देंगे मेहनत का, तो पौधा भी उगेगा, पेड़ भी बनेगा, फल भी लगेगा, लोग खाएंगे, हमें थोड़े चाहिए फल। आज के परिपेक्ष में गोविंदाचार्य जी, आपको लगता है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके चुनाव लक्षी, उनके हर एक कार्यक्रम चुनाव लक्षी होते हैं, कभी ना कभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा लो, चाहे पास्ट में चले जाए, कोई भी प्रोग्राम हो चुनाव लक्षी होता है। उस चुनाव लक्षी प्रोग्राम रखने के बाद लोग चाहे तंदुरुस्त हो ना हो, पॉलिटिकल पार्टी तंदुरुस्त होती गई है। इतनी तंदुरुस्त पार्टियों के बीच में ये राष्ट्रवादी मोर्चा मुकाबला कैसे कर पाएगा? आप स्वयं सोचिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि देखिए, सत्ता बल, धन बल और बाहुबल अब राजनीति में बड़ा वर्चस्व रखता है जी, लेकिन मेरा मानना है कि आत्मबल और जनबल वो इनको हराने में समर्थ होगा। जनबल लगता है कि आज की तारीख में भी गोविंदाचार्य जी के साथ वही जनता रहेगी। सही अगर विचार होंगे और जनता की जरूरत के हिसाब से होंगे तो जनता पहले समझेगी। क्या सच्चे सच्चे नेता को चुनने की आदत कहीं ना कहीं भारतीय जनता कहीं खो चुकी है लगता है आपको? क्योंकि इतना सारा माहौल गंदा हो चुका है, इस माहौल में सच्चे नेता को चुनने की जो कार्यक्षमता है कहीं ना कहीं क्षीण होती गई आपको लगता है? मैं मानता हूं कि चुनाव प्रणाली में इतनी विकृतियां आ चुकी हैं, धनबल का जोर इतना आ चुका है, चुनाव छवि युद्ध है, तो छवि की प्रधानता ज्यादा हो गई है असलियत से जी। मगर इसके बावजूद भारत की जनता की मूल विवेक के बारे में मैं विश्वास करता हूं। आप स्वयं देखिए ना, इमरजेंसी का समय था, 77 का समय, कितनी तो ताकत थी श्रीमती इंदिरा गांधी, क्या हो गई, सब तो हवा हो गई। स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। इसलिए जनता की मूलभूत समझ पर हम अभी भी विश्वास करते हैं, कमी अगर है तो उस समझ को वहां तक पहुंचाने में हम कम पड़ते हैं, उस समझ को एनकैश करने में भी हम कम पड़ते हैं। इसमें भी मूल कारण है, अगर आप धनबल, सत्ताबल, बाहुबल का उपयोग नहीं करना चाहते तो भैया मेहनत करो ना, पैसे का मुकाबला पसीने से करो, परिश्रम से करो। तो हम अपने अखाड़े में लाकर पछाड़ने का अगर हम तय करेंगे तो जनता जीतेगी, अगर उनके अखाड़े में जाकर जीतने की कोशिश करते हुए हार जाएंगे तो जनता हारेगी और सत्ता जीतेगी। अब की लड़ाई सत्ता बनाम जनता की है, ऐसा मैं मानता हूं। दर्शक मित्रों, खूब रसप्रद तबका में वात छे, परंतु समय थयो छे एक नानकडा विरामनो। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथि में। बात कर रहे हैं आपने गोविंदाचार्य जी साथ। गोविंदाचार्य जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि बाहुबल, सत्ता बल के सामने लड़ने, मतलब आपको भी मालूम है कि कितना कठिन है। आपने देखा कि छवि युक्त राजनीति हो गई है। छवि युक्त राजनीति के बारे में कहूं तो आप ही से मतलब बोला गया एक स्टेटमेंट कि वाजपेयी तो सिर्फ मास्क है, रियल फेस अडवाणी है।
नहीं देखिए, ये बात बहुत प्रचलित जरूर हुई, प्रचारित हुई, लेकिन छपा था देखिए 6 अक्टूबर 1997 को। एक भानु प्रताप शुक्ल होते थे, भानु प्रताप शुक्ल पांचजने के संपादक, उनका लेख था सिंडिकेटेड कॉलम में, 11 अखबारों में एक साथ छपा था। लेकिन उसी दिन मैंने उस बात का खंडन दिया था कि भैया ब्रिटिश हाई कमीशन के लोगों से मेरी ऐसी कोई बात नहीं है, बेबुनियाद बात है। लेकिन मैंने तो खंडन कर दिया, लेकिन बात चिपक गई, तब से अब तक जारी है। जैसे बेचारे अटल बिहारी वाजपेयी कितना कहते रहते कि हमने इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा था 71 के युद्ध में, फिर भी आज की तारीख फिर भी वो चिपका हुआ है। तो ये हो जाता है ऐसा, लेकिन मैंने अटल जी को मुखौटा कहा नहीं था। तो क्या क्या आप मानते हैं कि रियल फेस भारतीय जनता पार्टी का कौन है? चलो अगर अडवाणी जी तो कौन है, अभी तो तलाशना पड़ेगा। तो रियल फेस अभी भी अभी अभी कहाँ छुप गया है मालूम नहीं है, अब है भी कि नहीं भारतीय जनता। ओके ओके, भारतीय जनता पार्टी के मतलब बहुत ही मतलब एक कहा जाता है कि एक छोटा सा पौधा होता है जिसको सींच के बड़ा किया हो, जब उसमें फल आने लगा उसी वक्त उस माली को कहा जाए कि आप ये बगीचा छोड़ दो। गोविंदाचार्य जी ने भी भारतीय जनता पार्टी नाम के पौधे को जल देके, पसीने का जल देके सींचा था, जब फल आया गोविंदाचार्य जी को कहा गया आप बाहर रहिए। क्या फील करते हैं आप? नहीं, मैंने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा गया, मैंने अपनी इच्छा से अध्ययन अवकाश लिया था, न किसी आशा निराशा में, न अपेक्षा उपेक्षा में, न शिकवा शिकायत में। मैंने फिर कहा कि वैश्वीकरण के मुकाबले के लिए कुछ और करना पड़ेगा, यह सोचकर ही क्या करना पड़ेगा कि खोज में मैंने अध्ययन अवकाश लिया, उसी रास्ते पर मैं आगे भी चल रहा हूं। अगर आपका कहना सच होता तो 1997 में जब ये मुखौटा छपा उसके बाद 98 में मैं फिर महामंत्री क्यों बनता? लेकिन कहीं ना कहीं लगता था आपको कि जिस तरह से आपको महामंत्री पद से जब भी अगर आपने छोड़ा, या आप बोलते कि मैंने छोड़ा, या तो आपकी जगह पे बाकी 2 महामंत्री थे, 3 महामंत्री में से एक आप थे, बाकी 2 महामंत्री को कहीं फायदा होने का ज्यादा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ सकते हो कि 2 महामंत्रियों को ज्यादा फायदा उठा लिया गोविंदाचार्य जी की गैर हाजिरी का? मुझे मालूम नहीं, मैं तो नफे और घाटे के संदर्भ में काम ही नहीं करता हूँ, मैं तो संतुष्ट आदमी हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी से, और मुझे न कुछ पाना है, न बनना है, न पहुंचना है, तो मैं तो अपने योगदान से संतुष्ट तब भी था। राजनीति में संतुष्टि कहीं जाके कमजोरी मानी जाती है क्या? उल्टा है, वही ताकत है। जो मुझे याद है जब 1988 में भाजपा में काम करने को मुझे संघ के लोगों ने कहा था, तो मैंने वहाँ भाऊराव देवरे से पूछा था संघ के, मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे तुम फंटूस की तरह रहते हो, कहीं भी खाते हो, कहीं भी कोई वाहन की चिंता नहीं करते, वैसे ही फंटूस की तरह अपनी लाइफ स्टाइल में कोई बदल मत आने देना। इतनी बड़ी ताकत थी वो, मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में पहले मनुष्य सुविधाओं का उपयोग करता है, फिर उपभोग करता है, फिर आदि हो जाता है, फिर शिकार हो जाता है, फिर उसे जब पता चलता है कि शिकार हुआ है तो उसकी स्थिति शहद में गिरी मक्खी की तरह हो जाती है, पंख में शहद लपट जाता है, उड़ना चाहेगा फिर भी नहीं उड़ पाएगा। भगवान की दया से मैंने वही लाइफस्टाइल जिया, इसका मुझे संतोष है। संघ के प्रचारक अगर आज की तारीख में भी कहीं मिसाल दी जाए, अगर मैं बिल्कुल कॉमन वे में, कॉमन लोग बोलते वही पे, मतलब आज भी कसम खाते हैं गोविंदाचार्य जी की, प्रचारक जी की जब भी बात आती है, बहुत तीखा और सीधा सवाल है मेरा कि क्या क्या आपको लगता है कि आज के समय में संघ में जो भी प्रचारक है, क्या उन्होंने जिस उद्देश्य को लेकर प्रचारक बने हैं उन उद्देश्यों को छोड़ दिया है? कहीं संघ की आइडियोलॉजी प्रचारकों पे हावी नहीं होती जा लगती है? लगता है कि प्रचारकों की आइडियोलॉजी संघ पे हावी होती जा रही है, मानते हैं? पता नहीं मुझे इसका संदर्भ, क्योंकि मैं शाखा के काम करने वाले प्रचारकों को जहां जहां मिला हूं, घूमता रहता हूं, कहीं जिला प्रचारक मिलते हैं, नगर प्रचारक, तहसील प्रचारक, वो तो उतनी ही संकल्प के साथ, उतनी ही सही मन से मुझे काम करते दिखाई। सबके बारे में नहीं कहना चाहेंगे आप, कुछ लोगों के बारे में कहना चाहेंगे? ये मालूम नहीं, कुछ लोग ऐसे, देखिए फिर वही बात है कि अरे भैया कक्षा है, कोई फर्स्ट क्लास होगा, कोई सेकंड क्लास होगा, कोई फेल हो जाएगा। अब फेल हो जाएगा तो टीचर खराब है, और फर्स्ट क्लास आ गया तो टीचर बड़ा अच्छा है, केवल ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना, मनुष्य है, कुछ कमजोरियां कभी हो सकती हैं। तो ऑल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑल्सो, लेकिन वो ह्यूमन एरर है ना, वो 3% होना चाहिए, तब वो क्षम्य। मैं मानता हूं कि जो संघ का कार्य है, शाखा के स्वयंसेवकों का काम है, वो तो अभी भी
निस्वार्थ भावना से चलता है, ऐसा मेरा अनुभव है। आज की तारीख में भी आप अपने आप को स्वयं सेवक के हिसाब से ही परिचय देना? हाँ, मैं हूँ। आज जो भी मैं समाज के लिए कुछ कर पाया हूँ या कर पा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि वो तो संघ के संस्कारों के कारण कर पा रहा हूँ। अनेकों को जिसको किसी से कहीं लगता नहीं है आपको गोविंदाचार्य जी की जितनी चिंता गोविंदाचार्य जी को संघ की है, शायद उससे बहुत कम चिंता या तो बिल्कुल नहीवत नेग्लिजिबल परसेंटेज में भी संघ को गोविंदाचार्य जी की चिंता है? नहीं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब आत्मीयता से मिलते ही हैं, भेंट होती है, और मैंने ही संघ के अधिकारी के भी मिलते ना, ना 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 सीधा सीधा मैं तो संघ कार्यालय जाता हूँ जगह जगह। आज आप अहमदाबाद आए हो, कितने संघ के स्वयंसेवक या तो पदाधिकारी आपको मिलने आए? आज तो सामान्य सभी एक संपर्क प्रमुख आए थे संघ के अभी, लेकिन मेरे साथ अभी दूसरे भी सोचिए ना, मैं आज ही आया और सुबह से लेकर अब तक व्यस्त हूँ, शाम के कार्यक्रम में कई लोग मिलेंगे। हाँ, जहाँ मुझे फुर्सत रहती है मैं स्वयं संघ कार्यालय जाता हूँ, अपने घर में जाने में क्या संकोच होगा। एफिशिएंसी की पॉलिटिक्स की जगह पे यहाँ लगता है कि रिपोर्टिंग की पॉलिटिक्स ज्यादा बढ़ गई है। पता नहीं, ये मेरा अनुभव कहीं का है नहीं, आप भी कुछ अनुभव से ही कह रहे होंगे, मुझे इसमें दो मत नहीं है। मेरा ऐसा अनुभव नहीं आया, कहीं कहीं ऐसे कुछ बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती होगी, होती होगी, मुझे मालूम नहीं। गोविंदाचार्य जी, इतनी सारी मेहनत, इतना इतना लगाव संघ के प्रति, कार्य के प्रति, जो भी कार्यभार आपको सौंपा गया उस कार्य में बिल्कुल जान निचोड़ दिया था आपने, अचीवमेंट भी आपको मिला था कि ये जो काम हाथ में लिया था बिल्कुल सिद्ध करके भी दिखाया, भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी दी गई, आपने इतना बड़ा स्प्रेड आउट भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, क्या लगता है आपको कि लाइफ में कहाँ पे ब्रेक लगी या तो ट्विस्ट कहाँ आया, कहाँ 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 चोट पहुँची गोविंदाचार्य जी को अपने ही कार्य से? नहीं, देखिए, मैंने हमेशा सीखा तो है ही, तो बात ही नहीं है, लेकिन मेरा भी अपना स्वभाव कहिए, मूल पिंड कहिए, मैंने हमेशा काम में योगदान से तृप्ति पाई है, काम के परिणाम से नहीं, क्योंकि परिणाम तो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, कई फैक्टर्स पर निर्भर रहते हैं। मेरे हाथ में है प्रेरणा की पवित्रता और कार्य की कुशलता बढ़ाते चलना, मैं वो करता हूँ उससे संतोष पाता हूँ। अब किसी कार्यक्रम में देखिए 200 हो गई, किसी कार्यक्रम में 100 हो गई, मेरा परिश्रम तो बराबर था, परिस्थितियां कुछ और रही, इसलिए 200 का श्रेय भी मैं नहीं लेता और 100 का अकेला जिम्मेदार भी अपने को नहीं मानता। हाँ, मैंने कहीं कमी रखी क्या, ये आत्मालोचन करना मेरा धर्म है और वो मैं करता रहता हूं, इसीलिए मैं संतुष्ट रहता हूं। संतुष्टि की बात करेंगे, एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। दर्शक मित्रों, मने ख्याल छे के संतुष्ट आप पण नथी, कारण के घणी बधी वातो आपने पण सांभळी छे, परंतु समय थयो छे एक नानक लाल विरामनो। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथि में, बात कर रहे हैं आप गोविंदाचार्य जी साथ। गोविंदाचार्य जी, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, अभी चुनाव का माहौल है, गर्मियां बढ़ गई है, अभी स्टेटमेंट्स भी आना चालू हो गए, क्या आपको लगता है कि इस वक्त के चुनाव में आप क्या क्या नजरिया देखते हैं, इतने इतने सारे मतलब अनुभव के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाला चुनाव क्या 1-to-1 फाइट होगी, एनडीए यूपीए की फाइट होगी या और भी कुछ हो सकता है? हाँ, आप स्वयं देख रहे हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर तो ऐसा लगता है कि यूपी एनडीए ऐसे दो बड़े पोल्स हैं और वामपंथ तीसरा पोल है, लेकिन प्रदेशों के अनुसार जब आप देखिएगा तब समझ में आ जाता है कि मेरा अनुमान है कुल मिलाकर 250 सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा या कांग्रेस इन्हीं के बीच की लड़ाई है। ओके, बाकी 250-300 सीटें लगभग ऐसी हो जाएंगी जिसमें अदर पार्टीज में फैक्टर बन जाएंगी। अब जैसे उत्तर प्रदेश ही लीजिए, 80 सीट है ना, मुश्किल से 10 सीट भी नहीं होगी जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी हो, बाकी तो लड़ाई में मुलायम सिंह जी के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं का है रोल। बिहार ही ले लीजिए ना, आधी सीट भी ऐसी नहीं है, मैंने उसमें से कुल मिलाकर 25 सीट भी ऐसी नहीं है जहां कांग्रेस बीजेपी की फाइट हो, कुछ नहीं। आपके हिसाब से अगर मनमोहन सिंह और अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर मतलब इन क्यू जो बोलते हैं उनको वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम पहला नाम है, क्या आपको लगता है कि दो में से अगर किसका पलड़ा भारी आपके हिसाब से कौन अच्छे लगते हैं? देखिए, मेरा मानना सीधा है कि
मनमोहन सिंह जी के आर्थिक नीतियों के कारण देश के गरीबों का बहुत नुकसान हुआ और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के गृह मंत्री रहते हुए ढिलाई के कारण देश की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ। अब क्या हम इसमें से चुने, आप ही सोचिए। तो जैसे कि एक फिल्म का टाइटल था कि तीसरा कौन, तो अभी तीसरा कौन? भारत में बहुत ताकत है, भारत आज भी इन राजनेताओं के भरोसे नहीं है, यही भारत की ताकत है। भारत की सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक परंपरा की ताकत इन राजनीतिक लोगों से बहुत बड़ी है, इसीलिए देश टिका है, इसका अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका से लिखा हाल नहीं हो गया। इसलिए मैं ये देखता हूँ कि समाज आगे सत्ता पीछे, यही भारत का स्वभाव है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में वोटर्स, आपने बताया इस तरह से कि इस दो पोल के प्रति ही बटा हुआ है, क्या क्या तीसरा डायरेक्शन? हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ। इस बार के चुनाव में आप गौर करेंगे तो अभी भाजपा और कांग्रेस की मिलाकर 282 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में दोनों मिलकर घट जाएंगे, 250 के लगभग लाएंगे। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आवश्यकता, मैं मानता हूं कि विचारों की दृष्टि से कांग्रेस भाजपा में कोई फर्क नहीं, इसलिए इन दोनों को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कोई और लोग छिटपुट बनाएंगे, वो सरकार और भ्रष्ट, अवसरवादी और अस्थिर होगी, उस सरकार को कांग्रेस बाहर से समर्थन करेगी, दो साल बाद दरी खींच लेगी। ये आगे की स्थिति बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रही है मुझे। आप क्या मानते हैं कि किस तरह से चुनावी मुद्दे इस वक्त होने चाहिए? अभी तो देखिएगा, खुद ही देखिए, चुनावी मुद्दे कहीं कुछ नहीं है। और जो कोई बोलेगा मुद्दा ना, तो दूसरा बोलेगा तुम तो थे यार गद्दी में, तुमने क्या कर लिया। इसलिए अब कांग्रेस बीजेपी दोनों की साख इतनी खराब है, कौन किसको दोष दे, किसकी कमी ज्यादा उजली। इसलिए खतरा इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा तो मुद्दा विहीन चुनाव का है, तो लोकल फैक्टर्स, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, मनी पावर फैक्टर्स बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे। उसके परिणाम स्वरूप जो सरकार आएगी उसका चित्र मैंने बताया वैसा होगा। मगर इसी को अवसर मानकर मैंने तय किया है कि हम बहस शुरू करेंगे विकास यानी क्या, हम बहस शुरू करेंगे विकास में गरीबों का स्थान क्या, हम बहस शुरू करेंगे कि क्या नदियों की हत्या करना जरूरी है विकास के लिए, क्या जरूरी है सारे जंगल कट ही जाएं और जमीन केवल बड़े बड़े मकान बने और खेती की जमीन खत्म हो जाए, क्या जरूरी है कि SEZ को ही हम विकास मान ले और मॉल को विकास मान ले, कारीगरों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा। हम इस चुनाव को मुद्दों और मूल्यों पर लाना चाहते हैं। अगर हम इतना कर ले गए कि मुद्दे थोड़ा पहुंचा दें और मूल्यों की बाबत कुछ कहें, मेरा ख्याल है कि राष्ट्रवादी मोर्चा के उद्देश्य सफल हो जाएगा चुनाव लड़ने का। गोंदाचार्य जी, नॉर्मली लोकशाही में खास करके देखा जाता है कि प्रजा हावी रहती है, क्योंकि प्रजा के हाथ में रिमोट है, प्रजा डिसाइड करती है कि किसे मुझे चुनना है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है आपको कि ऐसे डोमिनेटिंग नेचर वाले पॉलिटिशियन या तो चीफ मिनिस्टर, उनके इशारे पे अगर ये चलती रहेगी जनता, या कभी वो दिन भी आएगा कि ये लोकशाही में जनता राजनेताओं को राह दिखाएगी? हाँ, अभी जो हालत है ना, जो आप ठीक कह रहे हैं ना, डेमोक्रेसी का स्वरूप विकृत होकर कॉर्पोरेटोक्रेसी हो गया है। दल के दल, नेता के नेता, गुट के गुट, सब थैलीशाहों की जेब में चले गए। इसलिए वोट से नोट और नोट से वोट का आलम इस समय राजनीति का बन गया है। ऐसी स्थिति में ही कुछ नए तर्ज पर चीजों को लाना होगा, चुनाव प्रणाली में सुधार की बात करनी पड़ेगी, सही नेतृत्व की बात करनी पड़ेगी और गरीबों के मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। विकास, आपने बताया कि SEZ विकास नहीं है सही, लेकिन गुजरात नंबर वन बन चुका है, किस मायने में तय करें ना। और गुजरात भी जो बना है वो किस कारण बना है, गुजरात की जनता हजारों साल से जितना ज्यादा दुनिया से एक्सपोजर पाई है उत्तर प्रदेश बिहार नहीं पाया है। और इन्वेस्टमेंट केवल विकास का पैमाना होगा क्या, ये तय करिए। आप यह तय करिए कि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी या नहीं, विकास इसको कहेंगे। जलस्तर बढ़ा या नहीं, विकास इसको कहेंगे। विकास कहेंगे कि क्या फॉरेस्ट कवर घटा या बढ़ा। अगर बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन गई हैं और सारी जमीन और पेड़ खत्म हो गए तो विकास हुआ क्या? पूरे हिंदुस्तान में तीन दफा अगर गुजरात नंबर वन बन चुका, नरेंद्र मोदी CM नंबर वन बन चुके, आप मानते हो कि नरेंद्र मोदी नंबर वन है? मैं मानता हूं कि विकास के निर्धारण के पैमाने गलत हैं। आप हमको बताइए कि नरेंद्र मोदी नंबर वन, मैं नंबर वन कैसे मान लूं? मेरा पैमाना यह है कि गायों की तस्करी गुजरात के रास्ते राजस्थान से देवनार की तरफ जाती है, तो नंबर वन कैसा राज्य और नंबर वन कैसा चीफ मिनिस्टर। मैं ये कहूंगा कि जहां नदियों
को जीने न दिया जाए, कैसे? फॉरेस्ट कवर का यहां क्या हुआ? और वो जो कारीगर है रतन के सारे सूरत में, उनका भविष्य क्या हुआ? अतिक्रमण किसको कहेंगे? गांधीनगर बसने के पहले के मंदिरों को अतिक्रमण कहा जाएगा या मंदिरों की जमीन पर गांधीनगर का बनना अतिक्रमण कहा जाएगा? विकास किसको कहेंगे? विकास इन्वेस्टर्स मीट को नहीं कहा। गोविंदाचार्य जी, यहाँ अगेन एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा जी ने कहा था कि सोल सेल मतलब पूरा अगर हैंडल करेंगे तो गोविंदाचार्य जी करेंगे, आपके इशारे से अमुक समय तक मध्य प्रदेश में सरकार चली थी, उस वक्त के बाद भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पाई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहूंगा बहुत सारा नुकसान भी हुआ। नहीं, मैं इतना जानता हूं कि जमीन, जल, जंगल, जानवर और जन के द्वारा परस्पर संपोषण ही सही विकास है। इसी दिशा में कोशिश मध्य प्रदेश में होना था, लेकिन जिस जो आपका डायरेक्शन था, जो आपका विजन था, उस हिसाब से हुआ नहीं। वहां हो नहीं सकता था, क्योंकि थैली शाह इस बात को कहां से हजम करते भाई, तो वो हुआ ही, उससे कोई हर्ष थोड़ी पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि सही रास्ते, सही उद्देश्य से, सही ढंग से मेहनत करना स्वयं में सफलता है, और जनता की दृष्टि से सफलता सामने आ जाएगी। ये तो मैं ऐसा मानता हूं कि अनेक मैराथन है ना, ये शॉर्ट स्प्रिंट 100 मीटर से रोस्ते है नहीं। मुंबई की घटना की बात करें, जिस तरह से हमले हुए वहां पर, क्या आप मानते कि इस वक्त चुनावी मुद्दा ये भी बनेगा, अगर या तो बीजेपी एनकैश कर पाएगी उसको? ना, एक तो मुद्दा बहुत बनेगा नहीं, और बनेगा तो भी एनकैश नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग तुरंत पलट कर सवाल पूछते हैं ना, अरे भैया आतंकवादियों को तुम ही तो छोड़ने चले गए थे काबुल कंदहार, और कहां तुम जब संसद पर हमला हुआ था तब क्यों नहीं सीमा पार आतंकी अड्डों को नष्ट कर पाए, अभी तुम हमको उपदेश दे रहे हो? इसलिए मुद्दा नहीं बन पाएगा, मुद्दा बनना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। इसलिए आतंकवाद के बारे में राज्य शासन के द्वारा जो ढिलाइयां हुई हैं वो अभी से नहीं है, 20 साल से चल रही है। इसलिए इसमें लाल बहादुर शास्त्री के लोगों को याद आती है, लोग कई बार श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करते हैं। सोनिया गांधी को आप विदेशी महिला ही मानते हैं? जी हाँ, स्वाभाविक, हम माने ना माने विदेशी महिला है ही। इटली का जो नागरिक होगा वहां के संविधान के अनुसार दूसरे देश में जाके बस जाएगा तो भी वो जन्म परिंद नागरिक रहेगा। मतलब वो रिमोट लेके राज करे चलेगा, लेकिन उनको बैठने नहीं देना है, उसके खिलाफ है आप? मैं ये मानता हूँ कि भारत की इज्जत के खिलाफ है। भारत में 100 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी नहीं जो यहाँ पैदा हुआ हो और प्रधानमंत्री बन जाए, देश का अपमान हुआ ना। संविधान में बदलाव की क्या जरूरत आप मानते हैं, जिस तरह से इतने सालों से जो संविधान आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बदलते समय के हिसाब से, क्या अभी बदलाव लाना चाहिए? बेसिकली अगर हम माने, सबसे पहला भैया इंडिया दैट इज भारत क्यों कहा जाए, भारत दैट इज हिंदुस्तान ही क्यों ना कहा जाए, पहली ही बात है। भारत का नाम प्रॉपर नाम कहीं बदलता है क्या, क्यों बदला गया? पहले जो छोड़ दीजिए वो बात, मैं कह रहा हूं कि पंचायत के प्रमुख जो चुने जाते हैं विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था में, तो वो राज्यसभा में वोटर क्यों नहीं हो, राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोटर क्यों नहीं हो? तीसरी बात भैया, 100 वोट पड़ते हैं, 51 वोट वाला बन जाए एमएलए एमपी मिनिस्टर, तो 49 जनता ने जिनको वोट दिया है उनका क्या हो, वो सड़क पर क्यों? मतलब 49 जनता के वोट की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, ऐसा क्यों नहीं करते? नंबर एक आदमी एमएलए बन जाए, नंबर दो डिप्टी एमएलए बन जाए। टकराव की जरूरत है क्या, रिजेक्शन की जरूरत है क्या, एडिशन क्यों ना हो सकता है? ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं में बदल किया जाना चाहिए, तभी लोकतंत्र स्वस्थ होगा और अपना अर्थ रखेगा। भ्रष्ट राजनीति, क्योंकि आज की तारीख में अगर गिने चुने, अगर 1, 2, 3, 4 अगर 5 नाम भी रखो, तो 5 में भी टॉप 3 के ऊपर भी कोई ना कोई तो दाग लगा होगा। क्या लगता है कि सिर्फ जनता को ही सुधरना होगा? ना, 2-3 बात करनी पड़ेगी, चाहिए जनता को भी करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा, बात ठीक है। लेकिन देखिए, भ्रष्टाचार की गंगोत्री राजनीति है, राजनीति की गंगोत्री चुनाव पद्धति है। इसलिए चुनाव पद्धति में चुनाव आयोग को एक तरफ जवाबदेह है, लेकिन दूसरी तरफ में ताकतवर सक्षम बनाना पड़ेगा। आज बेचारा चुनाव आयोग झंडियां, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग नोचता फिरता है अधिसूचना जारी होने के बाद, लेकिन वो ट्रकों में बहती शराब और टीवी, मोबाइल, पैसा, नगद बांटा जाना, उस पर उनका ध्यान ही नहीं, कुछ नहीं रहता बेचारों का, कुछ नहीं कर पाते। मैं तो ऐसा मानता हूं कि चुनाव में हो जाने वाली धांधली को राष्ट्रद्रोह के समान गंभीर अपराध मानकर कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त बहुत कम है गोविंदाचार्य जी, फास्ट रैपिड राउंड है मेरा। क्या लगता है गोविंदाचार्य जी की
लाइफ में सबसे बड़ी गलती कौन सी की थी उन्होंने? किन्होंने? आपने? हमने? नहीं, आई डोंट हैव रिग्रेट्स। मैं जब सोचता हूँ तो छोटी मोटी गलतियां सुधारते चलता हूँ, गलतियों से सीखना, ऐसे मैं मानता ही हूँ। सफलता असफलता दोनों में, जैसे जगह कार्यक्रम में 150 संख्या थी, पहले कार्यक्रम में 200 संख्या थी, फिर सोचा क्या हूँ क्यों हम कहाँ कम पड़े, तब तो ध्यान में आया अरे यार कार्यकर्ताओं को सुबह जगाने की व्यवस्था में हम कम पड़े। ऐसे नॉर्मली जब टेंस में आ जाते हैं क्योंकि इतना सारा सोचना, कहीं ना कहीं मानसिक थकाव रहता होगा, कैसे दूर करते इस थकाव को? दो बातें हैं, एक चुपचाप अकेला टहलना, दूसरा बैठकर नाम जप। क्या नाम जप करते आप? महातारक मंत्र है, महातारक मंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम। ओके, फिल्मों देखने का शौक है क्या? ना, पहले कभी देखते थे? बहुत पहले, हाँ एक समय स्कूल में थे तो कक्षा 7 में पहली फिल्म देखी थी, उसके बाद साल में 3-4 सिनेमा जरूर देखते थे। हिंदी फिल्में देखते थे? बनारस में हिंदी फिल्म। ओके, कौन सी फिल्म अभी तक पसंदीदा हिंदी फिल्म कौन सी? हाँ, मुझे याद है प्यासा गुरुदत्त, उसका कौन सा गाना अच्छा लगा था? पता नहीं, शायद वो जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, थोड़ा जरा गुनगुना। मुझे इतना ही याद है, मैं संगीत के बारे में बहुत कच्चा आदमी हूँ लोगों को भगाना नहीं है। और अंतिम 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 अंतिम, मुझे मालूम है कि कोई आस नहीं है, कोई चाह नहीं है आपकी, बस क्योंकि एक अच्छे भारत का निर्माण की एक आपका ड्रीम है, अंत में आपका ड्रीम क्या है? लास्ट में अंतिम ड्रीम दो ही है, एक है भारत के सब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों, कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई बिना छत का न रहे, कोई बीमार न रहे, कोई अनपढ़ न रहे, दूसरा हमारा देश दुनिया का सिरमौर रहे। हमारा देश दुनिया का सिरमौर बन सकता है, बनना चाहिए, उसका स्थान है वो, बस यही दो, ये दो बातें पूरी हो जाए तब क्या कहना हमको, और क्या चाहिए, हम तो मस्त हैं। थैंक यू वेरी मच गोविंदाचार्य जी। दर्शक मित्रों, आती खास मुलाकात, हमने की तो हम तो मस्त है गोविंदाचार्य जी के, अगेन प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध विचारधारा एमनी पोतानी एक आगवी ओळख छे एमनी, अने ए गोविंदाचार्य जी आज अतिथि बन्या था आ कार्यक्रम में। फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी आपसो नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।